ओम शांति। हम सभी ने मिलकर इस जगत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। प्रकृति के साथ, मनुष्य आत्माओं के साथ, जिसका रिजल्ट आज ये ग्लोबल पेंडेमिक हम सभी देख रहे हैं। अब तो ये सेकेंड वेव है, क्या मालूम थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, फिफ्थ वेव आए। कहते हैं ये वायरस इतना छोटा है, एक नमक का दाना, नमक के दाने से भी 10,000 टाइम्स साइज में ये छोटा है, पर इतने छोटे से वायरस ने पूरे संसार के सिस्टम्स को हिला दिया है। इकोनॉमी देखो पूरी क्रैश डाउन हुई है, शेयर मार्केट का ग्राफ पूरा नीचे आ गया है, हेल्थ सिस्टम पूरा रप्चर हो गया है, कोई भी लीडर्स पर आज हमारा कोई भरोसा नहीं रहा है। और अगर मेंटल हेल्थ की बात बोलो तो कहते हैं पेंडेमिक होने के पहले, कोरोना होने के पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर 5% एंजाइटी था, पर आज की तारीख में रिसर्च ये बोलता है कि विश्व के अंदर 25% पेंडेमिक बढ़ गया है। फैमिलीज की बात अगर हम लेवे तो फैमिलीज में डिवोर्स रेट 25% बढ़ गया है। कोरोना में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है कि हम सबको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो एक है हमारी फिजिकल इम्यूनिटी और दूसरी है हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। ये शायद हम सभी को पता है कि कोई भी बीमारी आती है तो स्ट्रेस एंजाइटी जब बढ़ जाता है ना तो बीमारी आ जाती है, पकड़ लेती है। हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है, वेस्ट थॉट्स होते हैं, कमजोर विचार आते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, ईर्ष्या घृणा बदले की भावना होती है, तो शरीर की बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। परंतु उसके साथ साथ हमें अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी इस कोरोना में बढ़ाने की बहुत जरूरत है। मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है, स्टडीज कहती है कि मेडिटेशन करने से स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल हमारा कम हो जाता है। ये टाइम लॉकडाउन का था लेकिन इसमें बहुत सारे प्रेजेंस हम बच्चों को मिले। शायद अगर हम इन चीजों को समझ पाए तो हम इस टाइम का बहुत बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रैवलिंग टाइम हमारा सब कम हो गया, क्वालिटी टाइम क्वांटिटी टाइम दोनों रीति से हम बच्चों को गिफ्ट मिली है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैंने अपने अपना टाइम वेस्ट में, यूजलेस चीजों में गंवाया या अभी भी गंवा रहा हूं, या मैंने अपना टाइम सफल किया है। कहते हैं आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन रखेंगे तो व्यर्थ विचार आने लगेंगे, परंतु अगर मैं यही टाइम पॉजिटिवली यूज करता हूं, अर्थात दूसरों को मदद करने में यूज करता हूं, अच्छे कर्म करने में यूज करता हूं, तो मेरा भविष्य श्रेष्ठ और उज्जवल बन सकता है।
दूसरा मुझे गिफ्ट मिला परिवार के लिए। 1960s में कहते हैं कि मनुष्य अपने परिवार के लिए केवल 45 मिनट्स निकालता था, और वर्स सिनारियो तब हुआ लॉकडाउन होने के पहले तक, मनुष्य इतना वर्क अल्कोहलिक हो गया कि शायद उसे अपने परिवार के लिए कोई टाइम ही नहीं होता था। कहते वो अपने बच्चों से केवल 5 मिनट बिताता था। अब ये लॉकडाउन जो हमको गिफ्ट के रूप में मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारी फैमिली है। इस कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें गवाई, परंतु जिनके पास फैमिली का सपोर्ट था वो हर परिस्थिति से उभर कर निकल आए। बहुत सारे रिसर्चेस जब हुए हैं तो लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो हर एक बंदा यही कहता है कि मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है। और जब दूसरा प्रश्न उससे पूछा जाता है कि तुम अपना सबसे कीमती वक्त किसके लिए बिताते हो, तो उत्तर में ये कहा जाता है कि मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे वर्क के लिए मेरा प्रेशियस टाइम डिवोट ज्यादा होता है। इम्पोर्टेंट फैमिली है और टाइम हम ज्यादा वर्क पे देते हैं। तो ये जो हमारा मिसिंग फैक्टर था कि परिवार के लिए टाइम नहीं मिलता है, अपनों के लिए टाइम नहीं मिलता है, लॉकडाउन में हमारे लिए टाइम ही टाइम था। अपनों के साथ कईयों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स खेले हैं, लूडो खेला है, कैरम खेला है। इनफैक्ट हमारे पास व्हाट्सएप में बहुत सारे फैमिली फोटोज आने लगे। ये टाइम मिला परिवार में सद्भावना प्यार बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, जहां रिश्तों में दरारें थी ये टाइम हमको मिला फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के, क्षमा भावना रखने के लिए, एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ भावना, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए, एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने के लिए। साथ में अगर हम साइलेंस की बात बोलें तो लॉकडाउन का सारा पीरियड हमको मिला है साइलेंस के लिए। अब ये साइलेंस माना क्या, कोई मुख के साइलेंस की बात नहीं है, लेकिन साइलेंस माना एक रिफ्लेक्शन टाइम, अपने आप से बैठ करके बातें करना कि मेरा रिश्ता क्या कहता है, अपने साथ मेरा रिश्ता कैसा है, परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, लोगों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, प्रकृति के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, और उस रिश्ते को मैं अच्छा कैसे बनाऊं, उसका बैठ करके चिंतन करने के लिए ये टाइम मुझे मिला। रीफोकस करने के लिए, रियलाइज करने के लिए कि मुझे जीवन की हर परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लोगों के साथ मुझे किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, मुझे अपना सुधार किस तरीके से करना चाहिए। दूसरा, सिंप्लिसिटी। कोरोना काल में एक बहुत सुंदर बात आई कि हम बाहर निकल ना सके, जहां हमारी रोज की एक दिनचर्या बन गई थी रेस्टोरेंट्स में जाना, होटल का खाना खाना, वो चीजें पूरी कट डाउन होने लगी। पास में ही कोई सिंपल किराने की दुकान में हम चले जाते थे, जो आवश्यक वस्तु थी वही हम सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकर के आते थे। ब्रांडेड चीजें जहां हम शॉपिंग मॉल्स का क्रेज रखा करते थे, वो सारा हमारा क्रेज बंद हो चुका। और सिंपल लिविंग के साथ साथ लाइफ भी सिंपल हो गई, थोड़े में गुजारा करना शुरू कर दिया। एक सन्यासी की लाइफ क्या होती है वो हमने समझी। शायद 3 टाइम हमें खाना खाने की भी जरूरत नहीं है,
शरीर को इतना उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो जितना हमने लाइफ को सिंपल किया, तो जो विस्तार था वो हम सार में लेके आ सके। चाहे जैसे बोलते हैं मैचिंग मैचिंग हम पहना करते थे, पिंक 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 पिंक, वो सारा कट डाउन हो गया और बहुत यू नो सिंपल सोच पे आ गए। कम जहां सोचते हैं, अच्छा सोचना शुरू कर दिया। कम सोचने से हमारी एनर्जी बढ़ने लगी। जब इंसान ज्यादा सोचता है तो उसकी एनर्जी डिप्लीट होने लगती है। तो हमने अपनी साइलेंस और सिंप्लिसिटी से एनर्जी का विकास किया और एक गिफ्ट हमको मिला कोरोना में, डिटैचमेंट का। चीजों को, लोगों को, दुनिया को हम डिटैच होकर के देखने लगे। जैसे मान लो आप पृथ्वी के ग्लोब को अगर आकाश से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? एक बहुत सुंदर सा बॉल दिखाई देता है। परंतु अगर हम नीचे आते हैं तो वहां कितने सारे लकीरें लगी रहती हैं, ये मेरी एरिया है, ये तुम्हारी एरिया है, यहां तुम्हें नहीं आना, सारे बाउंड्रीज हम बना लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम डिटैच हो जाते हैं, तब हम शायद अपने स्पिरिचुअल रियलिटी को समझना शुरू करते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। हम आत्मा हैं और हम सब आत्माओं का घर एक ही है, परम धाम है। उस परम धाम के हम रहने वाले हैं। और ये सृष्टि क्या है? एक रंगमंच है जहां हम सभी आत्मा एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने के लिए आए हैं। जब हम अपनी असलियत को समझना शुरू करते हैं डिटैच होकर के, कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, वास्तव में मेरा क्वालिटी क्या है, और फिर मेरा रोल क्या है, तो मैं अपने आप को उस ओरिजिनल क्वालिटी से भरना शुरू करती हूँ, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ओरिजिनलिटी कहते हैं, जो मेरा असली स्वरूप है, जो मैं कहूंगी कि परमात्मा की छवि में हम हैं। और उस छवि से फिर हम नीचे आए हैं अपना हर एक फैमिली के अंदर पार्ट बजाने के लिए। तो ये लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत सारी इन चीजों का मनन चिंतन भी किया, स्वयं भी इसमें अपना टाइम सफल किया, और हमारे इर्द गिर्द कॉन्टैक्ट में आने वाले जितने भी लोग थे, उन सभी को हमने बहुत बेहतरीन रीति से इन चीजों का रियलाइजेशन कराया, उनका विकास कराया। फरवरी 2020 में यह हमने पूरा एक थीम लिया था एक्सेप्टेंस के ऊपर और एफर्मेशंस के ऊपर, कि पहले खुद को एक्सेप्ट करो, खुद की अच्छाइयां बुराइयां दोनों रीति से अपने को एक्सेप्ट करो, परिवार में भी हरेक के प्रति एक्सेप्टेंस हो। ऐसे ना हो जाए, हम कई बार बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से और वो हमारी फुलफिल नहीं होती है, शायद हम लोगों को पहचानते ही नहीं है। तो हमने खुद के लिए एफर्मेशंस भी बनाए जो परमात्मा ने हमको दिए हैं, स्वमान जिसको हम कहते हैं, उस स्वमानों का हमने अभ्यास किया, जो हमारा रियल सेल्फ एस्टीम है ईश्वरीय बच्चे होने के नाते से। फिर मार्च के अंदर फॉरगिवनेस, ये हमने पूरा अभियान चलाया कि खुद को भी माफ करो, दूसरों को भी माफ करो, और सरेंडर करो ईश्वर को। जितना हम सरेंडर करते ईश्वर को, उतना ईश्वरीय हमें शक्तियां भी मिलती हैं, ईश्वरीय गुण भी मिलते हैं, और हम कई चीजों का सामना करते जाते हैं। अप्रैल के अंदर ये हमने अभियान चलाया टेंशन फ्री एंड लेट्स ब्लेस आवरसेल्व्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम शायद परिवार में पहले सोचते थे कि साथ में रहेंगे, टाइम मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो एक दूसरे की कमी कमजोरियां जब नजर आने लगी, तो शायद हम एक दूसरे के साथ एक टेंशन का माहौल फील करते थे। कभी जिंदगी नहीं बिताई है उन लोगों के साथ और एक छत के नीचे हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगा, तो हम क्रेव करते थे दूसरों के प्रेज के लिए, अप्रूवल के लिए,
और शायद उन लोगों को हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जब तक ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोगों को, तब तक हम अपने आप को बंधन मुक्त नहीं बना सकते हैं, तब तक हम फ्री बर्ड्स नहीं हो सकते हैं। तो थैंक्स गिविंग, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ये सब चीजों का अभ्यास परिवार में खास करके बहुत जरूरी है। फिर मई में बहुत सारे बर्थडेज, मदर्स डे, फादर्स डे, अर्थ डे, एनिवर्सरी डेज, इस प्रकार से हर एक परिवार के अंदर, हर एक व्यक्ति को लेकर के उनकी क्या क्या अच्छाइयां हैं, उन सभी को लेकर के वीडियोस बनाना शुरू किया। बहुत सारे बच्चों को हमने मोटिवेट किया, किसका एग्जाम में अच्छा रैंक आने लगा, जूम में हमने प्रोग्राम शुरू करना शुरू कर दिया और एंकरेज किया जिसकी जो जो क्वालिटीज होती थी, तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि उनका विकास हो सके। तो ड्राइंग कंपटीशन रखे और फिर साथ ही हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए उनको हमारी संस्था की तरफ से। अगस्त के महीने में राखी का सेलिब्रेशन हुआ, वर्चुअल ऑनलाइन राखी हमने प्रोग्राम रखा और हर एक को कहा गया था कि घर में जो भी आपके पास चीजें हैं, चाहे वो वेस्ट चीजें हैं, लेकिन वेस्ट में से आपको बेस्ट राखी बनानी है ईश्वर के लिए और फील करना है कि ईश्वर का हाथ मेरे सिर पर है, वो प्रोटेक्शन फील करना है। तो उस समय पर भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दिए थे। फिर सितंबर का महीना आया, टीचर्स डे हमने मनाया, लौकिक अलौकिक जितनी भी टीचर्स बहने थी उन सभी को हमने अवार्ड्स दिया, उन सभी के हमने काफी सारे लेक्चर्स रखे थे कि हम बच्चों को किस प्रकार से इस लॉकडाउन के अंदर ग्रूम कर सकते हैं। सितंबर के महीने में गणपति का त्योहार आया और बहुत सुंदर बात हमने की कि हमने किचन के अंदर क्रिएटिविटी कैसे की जाए। थी तो बहुत थोड़ी सामग्री, लेकिन हमें इन्वॉल्व करना था माताओं को भी और हमने ट्रेन किया था स्पेशली कि जूम कैसे चलाया जाए। एक एक माता को हमने बैठ करके सेंटर में बुला बुला करके ट्रेनिंग दी और बहुत सारे लोगों को मोबाइल के जो शॉप्स हैं वहां पे हमने उनके साथ में कनेक्शन बिल्ट अप करके और हर एक घर में ये प्रोविजन करा दिया कि हर एक को ये जूम और इंटरनेट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो हमने इसमें सेप्टेम्बर के अंदर क्ले मॉडल्स का भी प्रोग्राम रखा, डांस कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन। सितंबर में श्राद्ध का प्रोग्राम हमने रखा था जब हमने सभी अपने पूर्वजों के प्रति एक थैंक्स गिविंग किया और एक क्षमा याचना कि शायद हमसे अगर कभी गलती हो चुकी हो तो हमने उनके लिए स्पेशल भोग के प्रोग्राम्स रखे। बहुत सारी फैमिलीज के जो पूर्वज आत्माएं हैं उन सभी के लिए हमने प्रेयर्स रखे, मास मेडिटेशन रखा। अक्टूबर के महीने में गांधी जयंती हमने सेलिब्रेट किया देशभक्ति गीतों को लेकर और बहुत सारे पेट्रियोटिक लीडर्स के लिए हमने अपना भाव व्यक्त किया। अक्टूबर के महीने में मुलुंड सबजोन इसका एक इकट्ठा कल्चरल प्रोग्राम रखा था, तो यहाँ पर सब कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी की जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों को इन्वॉल्व किया, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, और उनकी हर विशेषता, हर कला को हमने उसमें प्रेजेंट किया। फिर आई नवरात्रि, तो नवरात्रि में हमने सारी शक्तियों का विश्लेषण रखा कि हमें लाइफ में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, लाइफ में हमें कैसे परखने की शक्ति की जरूरत है, कहाँ पे हमको सामना करने की जरूरत है। ये स्पिरिचुअल जो हमारे मसल्स हैं, जीवन जीने के लिए जो हमें शक्तियां और गुण चाहिए, जीवन जीने के लिए जो हमें विशेषताएं चाहिए, प्यूरिटी चाहिए, समेटने की शक्ति चाहिए, उन सभी शक्तियों का हमने विश्लेषण भी किया और फिर देवियों का हमने स्टॉल भी रखा था, लाइव देवी दर्शन रखा था, क्योंकि लोग मंदिरों में जा नहीं सकते थे, नवरात्रि सेलिब्रेट हो नहीं पा रहा था, तो हमने स्टॉल के रूप में यहाँ पर ही सजा के रखा और उनको फिर चैतन्य देवी दर्शन भी कराया। इतना ही नहीं, फिर हमने गरबा रास का भी प्रोग्राम रखा था कि हम डांडिया खेल सके इकट्ठे, तो सब फैमिलीज ओके अपने घरों में डांस करते थे और फिर वो हम स्पॉटलाइट में देखते थे। दशहरे का प्रोग्राम,
वो भी हमने यज्ञ कुंड बनाया था और उसमें हरेक को अपनी बुराइयां कैसे स्वाहा करनी चाहिए। फिर दिवाली आई, दिवाली पर भी ये ना जिसे हम बोलते ना कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, तो किस प्रकार से हमने अपने अंदर चैतन्य दिए का ना एनलाइटन योर इंटरनल दिया, ये टॉपिक हमने रखा था। और हम घर घर को कैसे रोशन करें इस दिवाली के टाइम पर, क्योंकि कोरोना था उस समय पर और लोग काफी डिप्रेशन में जा रहे थे, लेकिन फिर भी एक एंथुजियाज्म का माहौल बना रहे, एक क्रिएटिव माहौल बना रहे, एक खुशी का माहौल बना रहे, तो वो हमने उस चीज पर अटेंशन दिया। एम्ब्रॉयडरी और ग्रीटिंग कार्ड का हमने कंपटीशन रखा था दिसंबर के महीने में, ये बहुत सुंदर प्रोग्राम था हमारा, जिसमें हमने एक और चीज की थी कि हमने घरों को डेकोरेट करें, कि बाय द टाइम थोड़ा बहुत लो ना मोराल में लोग जा रहे थे, बीमारी काफी बढ़ रही थी, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना घरों का डेकोरेशन का प्रोग्राम रखा जाए। तो हमने न्यू ईयर के टाइम स्पेशली हरेक को बोला था कि आप घरों को डेकोरेट करें, ऑनलाइन घरों के यू नो लाइव हमने जूम पे प्रोग्राम्स रखे थे, और उसमें फिर हमने हरेक को प्राइजेस भी दिए। फिर विजन 2021, बहुत सारे वर्कशॉप्स और बहुत सारे क्वेश्चनर्स हमने प्रिपेयर किया ताकि लोगों को एक पॉजिटिव विजन अपना बना सके, एक विजन स्टेटमेंट खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी और अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी एक पॉजिटिव विजन क्रिएट कर सके, क्योंकि चैलेंजेस काफी आने लगे थे। जनवरी का महीना था, थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुल गया, हमारे सेंटर्स भी खुल गए, भाई बहनों का आना शुरू हो गया, एंड हमने यहाँ ही सेंटर पे बहुत सारा ना दीपक लगाकर, कैंडल्स लगाकर, बहुत सुंदर है ना मेडिटेशन बट्टीज रखी, जैसे परमात्मा की ब्लेसिंग्स उन सभी को मिले। और उसके अंदर हमने हर चीज का प्रयास किया, जिसमें हमने थैंक्स गिविंग भी रखा था ईश्वर के प्रति, हमने फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस भी रखे थे, हमने विजन कैसे अपना क्रिएट करना है, हरेक के प्रति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण कैसे बना सके, इन सभी चीजों की हमने चर्चा मेडिटेशन एक्सरसाइज में की थी। फिर फेब्रुअरी का महीना आया, ईश्वर के साथ हमारा हर एक रिश्ता है, कहने में तो हम बोल देते हैं त्वमेव माता च पिता बंधु सखा त्वमेव, परंतु प्रैक्टिकली हम परमात्मा से हर एक रिश्ता कैसे अनुभव करें और फिर दूसरों को कराएं, इसकी बहुत सारी हमने मेडिटेशन कॉमेंट्रीज करी और कराई। होली का महीना आया, वो भी हमने बहुत रंगों से ब्यूटिफुल कलर मेडिटेशन हमने किए, हर एक रंग से हम आत्मा कैसे अपने आप को भरे। तो इस प्रकार से पूरा ही लॉकडाउन बहुत सारे चाहे अपने बीकेस के लिए प्रोग्राम हो, चाहे बाहर में जितने भी कॉन्टैक्ट की आत्माएं हैं, उन सभी के लिए हमने रखे थे, अलग अलग टॉपिक्स रखे थे, जैसे बीइंग हियर इन द नाउ, फिर इंट्रोवर्जन, पावर ऑफ इंट्रोवर्जन, सैनिटाइज, ये खास करके हमने प्रोग्राम रखा था पूरे ही साल में ना, सैनिटाइज करो, जैसे हम शरीर के लिए सैनिटाइज हम इम्पोर्टेंस बोलते हैं, वैसे अपने मन को सैनिटाइज करो, अपने दिल को सैनिटाइज करो, अपने आप को फिर से एक श्रेष्ठ नजर से हम दिखाएं। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे थे लोगों के, तो काउंसलिंग था, वन टू वन काउंसलिंग, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेकर के हम वो काउंसलिंग के प्रोग्राम्स रखते थे, कि हम ईश्वर के बच्चे हैं तो हम एक दूसरे को कैसे उठाएं, यू नो अपलिफ्टिंग एवरीबडी टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। तो इस प्रकार से पूरा ही लॉकडाउन हमारा बहुत ही सुंदर गया, और इसके साथ साथ स्थूल चीजों का भी हमने बहुत सारा दान पुण्य किया, जैसे किसी के घर में राशन कम था तो वो भी हमने प्रोवाइड किया, दाल चावल जो बेसिक बेसिक हमारी नीड्स होती हैं। और यूनाइटेडली यू नो हम सभी ने मिलकर के, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, एक बहुत सुंदर यादगार क्रिएट किया। कहते हैं विश्व आगे चलकर इसको कहेगा द ग्रेट लॉकडाउन, इतिहास ये शब्द यूज करेगा, परंतु कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी दुनिया के लिए हम करते रहें, तो हमारा नाम भी आगे चलकर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन को हमने सामने रखते हुए अपने पर्पस को, अपनी जिम्मेवारी की, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
कि राजयोग का टीचर होने के नाते से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है दुनिया के प्रति, अपने प्रति, तो वो सामने रखते हुए एक करुणा की भावना अपने अंदर जागृत करते हुए मैंने बहुत सुंदर ये टाइम स्पेंड किया। और अभी भी मैं कहती हूँ अभी भी ये टाइम लॉकडाउन का ही है ऑलमोस्ट हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से आप भी बहुत सारा क्रिएटिविटी अपने जीवन में, उमंग उत्साह अपने जीवन में और औरों के जीवन में भी इतने सुंदर रंग भरे कि न केवल हमारा परिवार परंतु पूरा वर्ल्ड ही एक स्वर्ग बन जाए। ओम शांति।